ये बस नई बैटरी है एजीएस की, एजीएस का वारंटी कार्ड, और ये पुरानी बैटरी को बाहर निकाल लिया है। अब दूसरा जो काम है हमारा वो है इसको नहलाना है आज, और इस पे थोड़ी सी इसको भी मॉडिफाई करना है थोड़ा सा हमने। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता होगा कि लास्ट व्लॉग में मार्क एक्स की बैटरी खराब हो गई थी, बैटरी जो है मैंने नई मंगवा ली हुई है, बैटरी जो है वो नई ये पड़ी हुई है। अब ये जो बैटरी है ये मार्क एक्स के अंदर हमने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले मार्क एक्स को हम स्टार्ट करके देखते हैं कि जो पुरानी बैटरी है उसमें कोई जान बाकी है कि वो बिल्कुल ही सल्फ को नहीं स्टार्ट कर रही। सो बॉयज़ पहले गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक और चाबी इसमें लगा के इसको करते हैं जी स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। और ये गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन खैर पता नहीं क्यों अब इसने बैटरी ने जो है वो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन अलबत्ता फिर भी बैटरी मैंने न्यू मंगवा ली हुई है, और इसकी जो बैटरी है वो चेंज कर देते हैं ताकि हमें मज़ीद फ्यूचर में इसका मसला ना बने। और वह जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर लो ताकि जितनी जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो वह बैटरी खोल ली है मैंने इस चाबी की मदद से, ये 10 की चाबी है, इसकी मदद से बैटरी जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह खोल ली है, और ये पुरानी बैटरी को बाहर निकाल ली है। ये बैटरी है जी 56 SATA की, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये बस नई बैटरी है एजीएस की, एजीएस का वारंटी कार्ड, और इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये लेंथ ये है जी पता नहीं कितने प्लेट है, अलबत्ता ये नई बैटरी है। ये लेंज बॉयज ये नई बैटरी जो है हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर रख दी है, और अब टर्मिनल से देख लें पहले इस पर कौन सा लग रहा है। तो ये इस नेगेटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, तो ये लगाते हैं करती पुरानी बैटरी है, इसको रख देते हैं यहाँ पे, ये सेकंड हैंड हमारी सेल हो जाएगी, और जो हमारी नई बैटरी है उसके प्राइस में से इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जब भी बाइक से निकाली इसको वहाँ पे रखते हैं, उससे पहले हम करते हैं जी गाड़ी को स्टार्ट अप और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। बिस्मिल्लाह ये देखें जी, ये हम आ गए गाड़ी में, और ये डाली इसमें चाबी, बिस्मिल्लाह, और ये मिशन हमारा पास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बॉयज़ आपने हालत पे नहीं जाना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, ये मुझे पता है कि बहुत बुरा हाल हुआ है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये जो हमारा दोस्त आया हुआ है इसको अब देख रहे हैं, इसकी जो है वो हम खिदमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखें हाथ मेरे पूरे गंदे हैं। इसको खाना वगैरह खिलाया, अभी रात को भी खिलाया, सुबह भी खिलाया, अब फिर इसको खिलाया, उसकी वजह से हालत ज़रा ख़राब है, ठीक है। तो अब दूसरा जो काम है हमारा वो है इसको नहलाना है आज, और इस पे थोड़ी सी इसको भी मॉडिफाई करना है थोड़ा सा हमने, और इसको अब नहलाते हैं। मानी जो है वो तैयारी कर रहा है नहलाने की, नशे का कोई काम नहीं है, सबसे पहले उसने सिगरेट पीना है, फिर बाद में कोई और काम करना है। सही कह रहा हूँ मैं? इसको नहलाते हैं जी अब, और इस पे इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कर लेते हैं ताकि इसकी जो रस्सी थोड़ी सी टाइट कर लेते हैं ताकि ये नहलाते हुए हमें तंग ना करे। इधर लेके इधर, ये देखें बॉयज ये अपने आप को ना मिरर में देख रहे हैं, ये देखें अरे कोई हो नहीं है, तू ही इधर आ। इसको भी यहाँ पे मैं टाइट करके बांध दूँ ऊपर दरख्त के साथ, मान नहीं बांध मैं। इसको नहलाने लगे हैं, और ये आ गया हमारा शैम्पू, और ये आ गया हमारा ब्रश, और हम निकलने तैयारी इसको नहलाने।
कजन को जो पानी पिला रहा है। वाली कजन हैं? बोल तो सही। लक मारेगा। सो बॉयज ये आई गेस का मॉडिफिकेशन का सामान, इसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसको डालने लगे हैं ये मंज पकड़ो सीट पकड़ के। लेन जी बॉयज ये डाल दिया जिसको हमने क्लियर है, और ये पड़ा है इसकी जी गले में डालने के लिए इसका हार। मानी को टांग पड़ी है, मानी को सुकून हो गया। अब मानी आराम से खड़ा हो है मानी। ये ले जी, ये भी डाल दिए इसके, और ये इसके यहाँ पैसे आ जाएगी, और ये आ गया ऐसे। लें जी माशाल्लाह, ये हो गया जी तैयार। अगमा ऐसे घुमा, किधर को खड़ा कर, इधर को, हाँ ऐसे सीधा सीधा, हाँ यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर ये इसका ताज रहता था लगाने वाला, वो भी लगा दिया है, और एक ये रिबन भी मिला है, ये भी इस पर डाल देते हैं गले में इसके। ये रेडी हो गया अब वॉक शॉक करने के लिए, अब इसको लेके जाते हैं वॉक करवाने के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह अब कितना प्यारा लग रहा है। और ये बाइक सेफली लैंड हो गया जी। सो भाई जी, इसको वॉक करवाने के लिए आए हुए, वॉक करवा रहे हैं बैल को। खा पी ले कुछ, और इसके बाद को गेंद गराज में करके और नहाते हैं खुद भी, खुद से भी स्मेल आने लग गई है पसीने की। बच्चे इतने ज़्यादा आए हुए हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे, उन्हें मैं कहता हूँ चुप कर जाओ, फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अभी मानी ने पकड़ा हुआ है, मानी इसको सैर वगैरह करवा रहा है। ये देखें ये पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, और गर्मी भी आज बेतहाशा गर्मी है, ऊपर से जानवर के साथ रहना, बंदा जानवर ही बन जाता है पूरा। तो बॉयज ये इसको अंदर कर लिया फाइनली,
इसने भी आज सैर सपाटे कर लिए अपने, और जिसने बैठना था तो मैंने कहा बैठे बैठने से पहले इसको अंदर कर लें। और इसको ना ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको एक ही खिलाते हैं। ये आम का दरख्त है, उसके पत्ते बहुत शौक से खाते हैं। देखिए ये तकरीबन नीचे से सारा खिला दिया इसको आम ना। हाँ बस इसको बांध लूँ और फिर मैं नहा के फ्रेश हो जाऊँ, फिर आपसे बात करता हूँ बाद में।